पटना से सटे नौबतपुर थाना क्षेत्र के चकियापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास फायरिंग करते हुए एक अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक लोडेड पिस्तौल, नगद रुपया और एक बाइक को जब्त किया है। गिरफ्तार अपराधी की पहचान नौबतपुर थाना क्षेत्र के लोधीपुर गांव निवासी हीरा रतन का 32 वर्षीय पुत्र दिलीप कुमार उर्फ बउआनंद यादव के रूप में हुई है। दरअसल नौबतपुर थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार केसरी को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के चकियापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास कुछ अपराधी फायरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की टीम छापेमारी करने पहुंची। यहां पुलिस के देखते ही दो अपराधी भागने लगे, जिसमें एक अपराधी को बाइक के साथ पुलिस ने भागकर पकड़ा, जहां पुलिस ने तलाशी ली, जिसमें दिलीप कुमार के कमर से एक पिस्तौल, जिंदा कारतूस और पॉकेट से 13,000 रुपए नगद रुपया बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने मौके से अपाचे बाइक को भी जब्त कर लिया। आज सुबह सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम चकिया पर मध्य विद्यालय के पास 2-3 लड़का फायरिंग कर रहा। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्राम चकिया पर मध्य विद्यालय के पास एक लड़का दिलीप कुमार को एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस तथा एक अपाची मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया है। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।